तो आज फाइनली आप लोगों का वेट खत्म होने को जा रहा है, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3D मॉडल्स कैसे बनाते हैं ऑटोडेस्क इन्वेंटर में। तो आज तक हम लोग ने जो 2D स्केचेस बनाए थे यूजिंग दिस शेप्स, और हम लोग ने और भी कुछ कुछ देखा था कि हम लोग ये शेप्स कैसे इस्तेमाल करें, मॉडिफाई टूल्स कैसे, पैटर्न टूल कैसे इस्तेमाल करें। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ करने का है वो भी सिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग ने 2D स्केच बहुत सारे बना लिए थे हम लोग के पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, अगर आप न्यू कमर हो तो ज़रूर एक बार वो सीरीज़ देख लेना। ये कंप्लीट एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग ने स्केचेस कवर कर लिए, 2D स्केचेस कैसे बनाते हैं, और अभी हम लोग फाइनली देखने वाले कि 3D मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आज के टॉपिक को हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो 3D मॉडल बनाने के लिए हम लोग के पास एक 2D स्केच लगता है, ठीक है। और 2D स्केच के बाद हम लोग ये जो कमांड्स है इसे हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग का जो 3D मॉडल है उसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2D स्केच बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक प्लेन सिलेक्ट किया है, अब एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ 10 mm का। अभी फिनिश स्केच पे क्लिक करके हम लोग बस इसको अभी 3D शेप में कन्वर्ट करेंगे। 3D शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास जो बेसिक कमांड है वो है एक्सट्रूड। किसी भी 2D स्केच को 3D स्केच में कन्वर्ट करने के लिए ये एक्सट्रूड काम आता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा अभी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का ये टैब ओपन हो चुका है, और हम लोग का यहाँ पे एक्सट्रूजन भी एक हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ यहाँ पे आप हाइट देख सकते हो, तो 10 mm से एक्सट्रूजन हो चुका है। ये देखो डिस्टेंस ई एटलीस्ट 10 mm। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू डालनी है जितने वैल्यू से हमें इसे एक्सट्रूड करना है। मान लीजिए अगर मैंने 100 डाल दिया ये 100 mm से एक्सट्रूड हो जाएगा, 50 डाल दिया तो ये 50 mm से एक्सट्रूड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा आप चाहिए वैसे एक्सट्रूजन आप इसे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें बहुत सारे अलग अलग भी ऑप्शन है कि डायरेक्शन कौन सा चाहिए, ठीक है, वो भी हम लोग एक बार देखेंगे आगे। सबसे पहले ये था एक्सट्रूजन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे एंड हम लोग का एक्सट्रूजन हो चुका है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सट्रूजन कमांड कि हम लोग 2D स्केच को 3D स्केच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, और जो हम लोग ने एक्सट्रूजन कमांड में देखा था डायरेक्शन के बारे में वो भी सब थोड़ा थोड़ा भी सीख लेंगे। तो आज का पूरा वीडियो ये एक्सट्रूजन कमांड पे ही बेस होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से रखना क्योंकि ये कमांड सबसे ज़्यादा बेसिक एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग आप कौन सा भी डिज़ाइन बनाओ ये कमांड तो होने ही वाला है, एक्सट्रूजन कमांड, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते वक्त मैं और एक चीज़ बता दूँ। मान लीजिए मुझे इस शेप के ऊपर ही और एक शेप को बनाना है। अब ये मेरे पास एक सिलेंडर है, मान लीजिए इस पर मुझे एक ऐसा कुछ भी डिब्बा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको क्या जाना, इसके फेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑप्शन में जो फोर्थ ऑप्शन है डेट इज़ क्रिएट स्केच, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर आप जो भी शेप क्रिएट करोगे और उसका एक्सट्रूड करोगे तो ये जो सर्कुलर सिलेंडर है उस पर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से व्यू क्यूब से भी आपको दिखा सकता हूँ। चलिए अभी हम लोग एक काम करें, इस पर और एक सर्कल बनाएंगे, तो एक्सट्रूड करके देखेंगे कुछ 15 mm का बनाएंगे एंड फिनिश स्केच। अब वापस मैं एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रूड कमांड एनेबल हो चुका है। इसका भी हम लोग लेंथ कुछ रखेंगे 25 mm, ठीक है। 25 mm मैंने ये लेंथ रख दिया है। अभी जस्ट नाउ आई विल क्लिक ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको समझ पाया, अब यहाँ तक हम लोग ने दो बात देखा। पहला तो एक्सट्रूजन कैसे करते, 2D स्केच को 3D में कैसे बनाएंगे, और एक 3D स्केच के ऊपर और एक स्केच कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग ने अब देख लिया। अभी थोड़ा आगे जाके डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू स्केच दूंगा, यहाँ पे अभी हम लोग एक नया स्केच बना के देखेंगे। तो ये देखिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे बस एक ना रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक रैंडम सा ऐसा एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन फिनिश स्केच। और नाउ अभी हम लोग जाएंगे एक्सट्रूजन पे। तो अब देखिए एज यूजुअल एक ये 10 mm के वैल्यू से एक्सट्रूजन हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा इसके डायरेक्शंस के बारे में देखेंगे, ये डायरेक्शन क्या होता है। अब ये जो स्केच होती है ना, हम लोग का जो स्केच है वो इसका बेस है। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का स्केच, ये हम लोग का 2D बेस है, ठीक है। ये 2D बेस है, इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो बेस है के कौन से डायरेक्शन में हम लोग को एक्सट्रूजन चाहिए वो डिसाइड करेंगे। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये जो बेस के ऊपर ही हम लोग को एक्सट्रूजन चाहिए, कभी कभी इसके नीचे भी एक्सट्रूजन लगता है। देखिए मैंने यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो टॉप से ये बॉटम में चला गया एक्सट्रूजन, ये यहाँ पे आप देख सकते। अब थर्ड ऑप्शन है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के ऑप्शन पे क्या हुआ, ये देखो ये जो बेस है उसके दोनों तरफ
उसके टॉप और उसके बॉटम में दोनों तरफ 5 5 mm का एक्सट्रूजन हुआ है, जो कि 10 mm का, हम लोग को 10 mm का रिक्वायरमेंट था। इस बेस के दोनों साइड में 5 5 mm का एक्सट्रूजन हो चुका है, तो टोटल हम लोग का 10 mm का एक्सट्रूजन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये टॉप में जा रहा है, यहाँ से ये बॉटम में जा रहा है, यहाँ से ये सिमेंट्रिक हो रहा है, और यहाँ से थोड़ा अलग होगा। यहाँ से अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमें टॉप में कितना एक्सट्रूजन करना है और 2D स्केच के बॉटम में कितना एक्सट्रूजन करना है। मान लीजिए मुझे इसके टॉप में 15 mm का एक्सट्रूजन करना है और इसके बॉटम में मुझे 10 mm का एक्सट्रूजन करना है। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग को हमेशा सिमेट्रिक एक्सट्रूजन नहीं, हमें कभी कभी असिमेट्रिक एक्सट्रूजन भी लगता है। उसके लिए हम लोग ये वाला कमांड सिलेक्ट करते हैं, आप इसका नाम भी देख सकते हैं, असिमेट्रिक, ठीक है। और अभी नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके, और हम लोग का यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन कमांड को। अब मान लीजिए मुझे इसको मॉडिफाई करना है, अब इसका हाइट टोटल हम लोग ने कितना रखा था, ऊपर 15 mm, नीचे 10 mm, तो टोटल हम लोग ने 25 mm की हाइट रखी। मान लीजिए अभी मुझे इसको 20 mm का बनाना है। अब जो भी इन्वेंटर के यहाँ पे अब जो भी काम करोगे ना, ये सारा काम आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाता है। जो भी आप काम करते जाओगे, जो भी आप शेप बनाओगे ना, ये सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये जो एक्सट्रूजन के बाजू में देखिए, ये जो प्लस का साइन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आप इसका स्केच देख सकते हो, 2D स्केच जो हम लोग ने ओरिजिनली बनाया था। इसके बाद इस एक्सट्रूजन कमांड पे देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये ग्रीन लाइन हाईलाइट हुए। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ना, वैसे ये सब आपको समझ में आ रहा है। फिलहाल इस एक्सट्रूजन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, और ये देखो वापस मेरा आ गया एक्सट्रूजन का कमांड, 15 and 10, 25 mm था, मुझे इसको 20 mm करना है, तो इसमें से मैं 5 हटा देता हूँ, इसे बस 10 करता हूँ, हो गया मेरा 20 mm, ठीक है। तो अभी आपको डायरेक्शन भी समझ आए, तो यहाँ तक हम लोग ने यहाँ पे दो बात सीख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्शन सीख लिया था, अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी हम लोग ना वापस इस शेप में चले जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, जब भी आप कुछ भी एक्सट्रूजन करोगे, वो यहाँ पे ना, जो भी आप यहाँ पे करोगे ना, ये सब यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाते हैं। यहाँ पे देखो एक्सट्रूजन 1 हम लोग ने पहले ये सिलेंडर बनाया था, इट इज सेव एज एक्सट्रूजन 1। एक्सट्रूजन 2 में हम लोग ने ये वाला सिलेंडर बनाया था, ठीक है। अभी मैं एक्सट्रूजन 2 पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ना आप आउटपुट में बुलियन के ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, बुलियन, ठीक है। ये बुलियन के ऑप्शन कब विजिबल होते हैं, जब एक से ज़्यादा कोई शेप्स होगा 3D मॉडल में, तब ये बुलियन शेप्स विजिबल होंगे। अब ये बुलियन शेप का काम क्या होता है, तो ये देखिए, ये पहला बुलियन क्या है, जॉइन। अब ये इस पे ऊपर जॉइन हो जाए, हम लोग ने इस 3D स्केच पे ये और एक 3D स्केच बनाया, ये दोनों अभी जॉइन है। मान लीजिए मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखिए, ये रेड कलर का दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन, कट, देखिए ये कट हो चुका है। मैं डायरेक्शन अपोजिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो रेड दिख रहा है, अब ये इतने mm से कट हो जाएगा, ओके दबा दिया, ये जो कट हो गया, ये उतने mm से कट हो गया, ठीक है। सेकेंड, अब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, डायरेक्शन हम लोग बॉटम में जाएंगे। अब मैंने मान लीजिए मैंने इंटरसेक्ट कर लिया, अभी देखते क्या होता है। इंटरसेक्ट कर लिया, बस ये बीच में का सिलेंडर बचा, बाकी का जितना भी था वो सब कट हो गया, ठीक है। ये मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ना आगे जब आप जाओगे ना, तब शेप्स आप बनाओगे ना, अभी आपको ये सब याद आने वाले हैं, हाँ भाई सर ने ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं सिखाया था, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं ना, ये सर ने हमें सिखाया था उस टाइम। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा रैंडमली पढ़ा रहा हूँ, कुछ ये इस्तेमाल होने नहीं वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं। आगे जाके जब आप करोगे ना, तभी आपको ध्यान में आएगा, अरे हाँ ये हम लोग ने पढ़ा था। भले ही अभी आपको लग रहा है ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन मज़ा आने वाला है। अभी इसका डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, अब ये एक न्यू सॉलिड बन गया, खत्म, बस इतना सही था। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या सीख लिया था एक्सट्रूजन कमांड में, देखो हम लोग ने डायरेक्शन क्या होता है ये सीख लिए थे, डिस्टेंस हम लोग को कितना mm से एक्सट्रूजन करना है ये सीख लिया था, उसके बाद हम लोग ने बुलियन भी सीख लिए, ठीक है। तो हम लोग ने आज के लेक्चर में इस एक्सट्रूजन के कमांड के ऊपर 90% तो सीख लिया है, बचा हुआ 10% है ये प्लस वाला और ये तीन ऑप्शंस। ये अभी हम लोग जब 3D शेप्स बनाएंगे एक्चुअल में, तभी ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े एक दो नए 3D मॉडल्स बना के देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।